सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने निरीक्षण किया और अस्पताल के तैनात चिकित्सकों और अधिकारियों से करीब 30 मिनट तक विचार विमर्श किया और अस्पताल को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है इसको लेकर चर्चा भी की। साथ ही उन्हें पेश आ रही दिक्कतों को कैसे सुलझाया जा सकता है इस पर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के नए भवन के रखरखाव को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास ली और त्रुटियों को दूर करने के आदेश दिए। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने निरीक्षण के दौरान कहा कि सोलन अस्पताल प्रदेश के उन अस्पतालों में गिना जाता है जहां सबसे ज्यादा ओपीडी है, इसलिए इस अस्पताल की सेवाओं को बेहतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अस्पताल का मुआयना किया है और खामियों को उन्होंने देखा भी है जिसे दूर करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही चिकित्सकों को सोलन अस्पताल को प्रदेश का आदर्श अस्पताल बनाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने इस मौके पर सोलन अस्पताल में चिकित्सकों की भारी कमी को जल्द दूर करने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह करने की बात भी कही। 1000 से लेके 1500 की ओपीडी, 200 बेड का हॉस्पिटल, बड़ी मात्रा में सिरमौर जिला के पेशेंट्स को ये हॉस्पिटल कैटर करता है। वर्तमान सरकार श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने कुछ बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं जिसके आधार पर बड़ी मात्रा में दवाइयाँ आजकल हॉस्पिटल में अवेलेबल हो रहे हैं। परंतु सारा कुछ विजिट करने के बाद हमारा मेरे आदरणीय साथी जो डॉक्टर बंधु हैं उनसे आग्रह पूर्वक कहना है कि सोलन हॉस्पिटल बेहतरीन हॉस्पिटल की सूची में आए, उसके लिए हम थोड़ा मन बनाएं और मन बना करके उस दिशा में काम करें। डॉक्टर बढ़ने चाहिए और पैरामेडिकल स्टाफ भी बढ़ना चाहिए ऐसा प्रतीत होता है, और उस दिशा के अंदर मैं सरकार के साथ ये विषय को उठाऊंगा।